चाहे मेरी आहें तमाम हो सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी कैसे मैं सांसें भरूं ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी सैराब कैसे शिज़ा, अरे शिज़ा, बेटा तुम ठीक तो हो? बेटा हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कहाँ चली गई थी तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा जैसा तुम और अम्मी चाहते हैं। जाओ जाकर अगली पेशी की तैयारी करो। असल में मेरी मंगनी हो गई। क्या? शिव शिज़ा, क्या तुम उससे निकाह करोगे? बोलो शिज़ा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम उससे निकाह करोगे? हाँ। लेकिन एक शर्त पर। मैं आपसे निकाह तब करूंगी जब आप अपनी मामा को राजी करेंगे। और उससे भी पहले फराज का मुझे आजाद करना बहुत जरूरी है। शिज़ा प्लीज, जिंदगी मुझे और तुम्हें गुजारनी है साथ में। आपको तो नहीं गुजार, जब हमारी शादी हो जाएगी तो माम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मान जाएगी। जहां तक ताल्लुक है उस फराज का, तो उस तो हर सूरत में तुम्हें तलाक देनी होगी। हाशिर प्लीज, मुझे वो ख्वाब मत दिखा जिनकी ताबीर मुमकिन ना। और इस रिश्ते के लिए आपकी मामा का राजी होना बहुत जरूरी है, जो कि एक ऐसा महाज है जिसे सर करना नामुमकिन है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़ दें और वहीं शादी कर लें जहां आपकी मामा कहती हैं। नहीं शिज़ा, तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इल्तिजा है मेरी मुझे तुमसे बात करनी है। शेरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? We should talk. पहले तुमसे बात करके मुझे क्या मिला? ये हमारा जबरदस्ती का रिश्ता? ये रिश्ता तुम्हारी जबरदस्ती का? Of course, शेरी, of course. तुम जानती हो ना कि मैं शिज़ा से मोहब्बत करता हूँ। हर गुजरते दिन के साथ ये मोहब्बत बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? मेरी शिज़ा के साथ मोहब्बत को मेरी माँ की मोहब्बत के साथ तराजू में तोल दिया। तुम लोग अच्छे से जानते थे कि माँ की मोहब्बत का
पलड़ा भारी ही होगा। लेकिन शहरी, ये सब करने से मैं शीजा का साथ तो छोड़ सकता हूँ। मैं उसे हासिल करने की ख्वाहिश अपने दिल में दबा सकता हूँ, लेकिन उसकी मोहब्बत से दस्तबरदारी ये मुमकिन नहीं है। I'm sorry, शहरी। हाँ हेलो, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, फराज निकल रहा है, कहीं जा रहा है वो, उस पर नजर रखना, वो मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। रमशा जी बैठो। रमशा बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मंगनी या शादी का टूट जाना कोई अच्छी रिवायत है या कोई अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो कुछ भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मतलब है, अगर शादी के बाद मुनीर और उज्मा बाजी तुम्हें तंग करते, तुम्हारे साथ ज्यादती करते, तो मुझे कितना दुख होता, शायद हम बर्दाश्त भी ना कर पाते। बेटा, तुम्हारी माँ मुझे हमेशा यही ताने देती रही कि मैं तुम लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, मगर मेरा खुदा जानता है कि मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूं, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता। बेटा, शिजा मजबूर और बेसहारा है, वो भी तुम्हारी बहन है, और अल्लाह किसी मजलूम पर ऐसा वक्त ना लाए। मेरी अपने रब से यही दुआ है कि अल्लाह मेरी तीनों बेटियों को खुशखरम रखे, सेहतमंद रखे, कोई दुख कोई तकलीफ इनके पास ना आए। जीती रहो मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हर गम से बचाए और सारे जहान की खुशियां अता करे। खुश रहो जहां भी रहो। शाबाश। ये बच्चे कहाँ होते हैं भाई आजकल? हाशिर, कभी हमारे पास भी बैठ जाए करो बेटा, तुम तो बिल्कुल ही हमारे पास नहीं बैठते हो। हाँ, है ना, अच्छा हुआ आप सब लोग मुझे एक ही जगह मिलकर। आ जाओ, तुम्हारा ही पूछने वाली थी, आओ बैठो। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कैसा मजाक है शायद? माँ
मामा मैं मजाक नहीं कर रही, I'm serious. मैं ये मंगनी बाकी तोड़ रही हूँ. क्या हुआ बेटे, हाशिर ने कुछ कहा है तुमसे? हाशिर क्या कहा है तुमने शहरी से? माओ मैंने उसे भला क्या कहना, जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने ही हो रहा है. क्या हाशिर को कुछ कहने की क्या जरूरत है? सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने ही तो हो रहा है, पर पता नहीं क्यों आपको और मामा को कुछ नजर ही नहीं आता. यहाँ पे सब कुछ देखते हुए भी आप दोनों अनजान बने हुए हैं. इस रिश्ते से ना तो मैं खुश हूं ना ही हाशिर. लेकिन शहरी ये सब कुछ हमने तुम दोनों से पूछ कर ही तो किया. मैं मानती हूँ आप लोगों ने पूछा था, मेरी खुशी तो हाशिर ही है. लेकिन इसकी खुशी मैंने शिज़ा का जिक्र कहाँ से आ गया बेटे? खत्म हो गई है वो बात, कोई नहीं है अब शिज़ा. That chapter is closed. अब हम क्यों बात कर रहे हैं शिज़ा की? क्यों हाशिर तुम बताओ, ठीक कह रही हूं ना मैं? जी मॉम, शिज़ा का चैप्टर क्लोज हो चुका है. लेकिन उसका आज भी मेरे दिल में वही मुकाम है जो पहले दिन से था. मॉम, आपकी ममता की खातिर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन मैं शहरी को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता और ना ही मैं इसे कोई झूठा दहलासा देना चाहता. इसीलिए ये सच जानना इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब कुछ मैंने इसकी दोस्ती और आपकी मोहब्बत में किया. और इसलिए मैं ये शादी भी कर रहा हूं. आंटी मैं जानती हूं आप हाशिर के लिए बेहतरीन इंतखाब चाहती हैं, लेकिन ऐसे इंतखाब का क्या फायदा जो हाशिर को ही निभाए. जिन रिश्तों की बुनियाद ही जबरदस्ती पर हो वो कभी नहीं पनप पाते. इसलिए मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती. हाशिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इस सिलसिले में उससे मेरा दोस्त कहीं बहुत दूर चला गया है जो कि मुझे मंजूर नहीं है. रेहाना बच्चे ठीक कह रहे हैं, जोर जबरदस्ती के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते, जरा जोर से खींचो फौरन टूट जाते. समझ जाएगी, थोड़ा वक्त चाहिए उसे. शेरी
अरे भाई शकीला, भाई जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, दुकान जाना है। रमशा बेटा, तुमने, तुम्हारी माँ का? अब वो अम्मी के सर में थोड़ा दर्द था तो मैंने उनको सुला दिया। अच्छा बेटा, जीती रहो। यकीन जानो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने ये सब कुछ किया? वो मुझे अंदाजा है कि हमने शिजा के साथ बहुत ज्यादा की थी। जीती रहो बेटा, और याद रखना वो इंसान बड़ा होता है जो अपनी गलती मानते और आगे बढ़ जाए। वो शिजा मुझे माफ तो कर देगा। क्यों नहीं करेगी बेटा, और वो तुम्हारी बहन है और बहनों में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तुम फिक्र मत करो, तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो तुम्हें अल्लाह भी माफ कर दे, और जब अल्लाह माफ कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप मुझे शिजा के पास ले चलेंगे? क्यों नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ बेटा, शाम को आकर बात करेंगे और फिर मैं तुम्हें शिजा के पास ले जाऊंगा। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, चल ऑफिस, अपनी अम्मा का ख्याल रखना। जी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। बस एक बहुत बड़ा बोझ जो मेरे सर से उतर गया, इसलिए आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन। सो लेडीज, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो तुम लोग माफ, मेरा ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ प्लीज। तुम बैठो, मैं थोड़ी कॉफी लेके आऊँ। हम चले शॉपिंग पे। हम चल रहे हैं ना शॉपिंग पे। शिजा, एक बात कहूं? मैं अपने तमाम ख्वाबों की तबीयत तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी सारी खुशियां, सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें मैं अपने हाथ से पूरा करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ख्वाब देखना और सजाना मैंने छोड़ दिया हाशिर। मैं जानता हूं कि तुम मॉम की वजह से अपसेट हो, लेकिन शिजा, आपके माँ बाप आपके लिए जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें आपकी भलाई होती है। और वैसे भी अपनी पसंद की शादी करना, इसका हक तो खुदा ताला ने हमें दिया। तो फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हूँ मैं। तो फिर ये भी जान लो कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। दिल की गहराइयों से चाहता हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। कहाँ है भाई खाना? लगता है रमशा, खाना आज तुमने बनाया है। जी अबू, आपकी पसंदीदा डिश है। क्या बना? ओहो, करेले कीमा। भाई वाह, शाबाश। भाई मारिया कहाँ है? अबू मारिया रोटियां बना रही है, मैं उसको बुला के लाती हूँ।
शकीला तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? भाई तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बेटियां काम करें। देखो माशाल्लाह खुद खाना बना रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। भाई वाह वाह रमशा बेटी वाह, शाबाश। शकीला चंद दिन पहले ये सिर्फ एक मकान था, लेकिन अब ये घर है। घर नहीं मेरी जन्नत है। कितना अच्छा लग रहा है। और चंद दिन पहले हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी से थे, लेकिन अब सब एक हैं, हैं? मम्मी, आप क्यों दिल छोटा करती हैं? एक रिश्ता चला गया तो क्या हुआ, 10 और आ जाएंगे। हाँ बेटा क्यों नहीं आएंगे, मेरी बेटियों को रिश्तों की कमी है क्या? अम्मी के बाद बाजी का घर आना मेरा महका था, तो वो भी खत्म हो गया। शकीला महका एक रोज खत्म हो जाता है, फिर अपना घर ही महका बन जाता है। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मारिया को बुलाओ, मैं तो शुरू कर रहा हूं। वाह करेले कीमा। हाँ शिजा के फराज की चुंगल से आजाद होते ही मैं जल्द से जल्द उससे निकाह कर लूं। लेकिन बेटा इससे पहले फराज का शिजा को तलाक देना बहुत जरूरी है। वो नामुराद पेपर्स पे दस्तखत ही करने को तैयार नहीं। शिजा को तलाक दो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते। ना ही मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा और ना ही शिजा को छोड़ूंगा। तमाम हो क्या हुआ शिजा, थक गई हो? जाहिर है आशिक, इतनी ज्यादा शॉपिंग करवाती है तो थकूंगी ना। अभी तो हमें और भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है और तुम अभी से थक गई। और कौन सी शॉपिंग बाकी है? बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी फेवरेट जगह से जाके आइसक्रीम खाते हैं। आशिर मैं भी फ्रेश फील नहीं कर रही, क्या हम आइसक्रीम गाड़ी में खा सकते हैं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। शकीला जिंदगी में हम लोग अक्सर बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपनी नजर से देखते हैं और हमें जो मुनासिब लगता है वो कर गुजरते हैं। ऐसे ही हमने अपनी बेटी रमशा के रिश्ते में खुदगर्जी दिखाई। मुझे अच्छी तरह याद, रमशा ऐसी कभी नहीं थी। वो तो बहुत हसमुख मिलनसार काम करने वाली बच्ची थी और जब उसकी मुन्नी उससे पूछे बगैर एक रिश्वतखोर शख्स से कर दी गई तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई। इसका तो मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि रमशा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके होने वाले शौहर के लिए लोग बातें बनाएं। दुनिया क्या नहीं करती, अगर लोग मुनीर को खुशी से कुछ दे देते तो इसमें क्या बुराई थी? बुराई हमेशा बुराई होती है शकीला, उसे दुनिया की कोई ताकत जस्टिफाई नहीं कर सकती। रिश्वत देने वाला भी जहन्नुमी होता है और रिश्वत लेने वाला भी।
बहरहाल जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। अल्लाह ने इसमें हमारी बेहतरी चाहिए होगी, और वैसे भी हमारी बेटियों को कोई रिश्तों की कमी है? शकीला, इस तरह मुंह फेर कर मत रखो। अरे मां का दिल तो बहुत बड़ा होता है, माफ कर दो सबको। शिजा को भी तुम जानती हो कि शिजा तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। जो गलती तुमसे हुई, मुझसे हुई, हम उन गलतियों को भुलाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया तो सबसे पहले तुम मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं, तुम किसी और दिन मांग लेना, आज मेरी बारी है शकीला। मत रो, मत रो। सुबह की भूली हुई हो, शाम को घर आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। बल्कि सब ठीक हो गया है ना? अल्लाह का शुक्र। मारिया, रमशा कहाँ हो भाई? देर हो रही है। आज आपका जाना जरूरी है क्या? बेगम साहबा, जाना तो आपका भी बहुत जरूरी था। नहीं, आप जाएं, मैं शिजा से आराम से बात करूंगी। क्या बात है रमशा, इतनी परेशान क्यों है बेटा? अबू, वो मुझे डर लग रहा है, वहाँ आशर भी होगा और शिजा भी। तो वहाँ तुम्हारे अब्बू भी तो होंगे। अरे बेटा, डरने की क्या जरूरत है? गलती तो हर एक से हो सकती है। हो गई, तुमने अपनी गलती मान ली, बात खत्म। और हाँ, जल्दी से मारिया से को तैयार हो जाए। हाशिर कह रहा था मारिया और रमशा के साथ मिलके मैं शिजा का शादी का जोड़ा खरीदूंगा। मैं मारिया को बुला के लाती हूँ। शकीला, तुम उदास होना छोड़ दो। शिजा को हम हाशिर के सुपुर्द करते ही फौरन रमशा की शादी करते हैं। इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिलेगा? और आपको तो पता है कि लड़की की शादी करना इतना आसान नहीं है, कई तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। अरे बस बस बस,
अच्छा सुनो, खुशी की खबर है। अपने मोहल्ले में अब्दुल समद भाई नहीं है, उनकी बहन का बेटा है और उनकी बहन हमारे पास रमशा के रिश्ते के लिए आना चाहती है। बताए आज फजर की नमाज के बाद वो अब्दुल समद भाई मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं शाम में बताऊंगा। अच्छा तो उनका लड़का करता क्या है? अरे एमफिल किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अबू देर हो रही है, चले। अच्छा शकीला मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और आके तफसील बताऊंगा अब्दुल समद भाई वाली। हाँ आओ बेटा आओ। आशिर बेटा मेरा तुमसे अलहदगी में बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। जी मामा। बेटा अब तुमने क्या सोचा है, तुम्हारी तो मंगनी हो गई है, तब शिजा को जैसे ही उस घटिया इंसान से छुटकारा मिलेगा मैं फौरन शिजा की शादी कर देना चाहूंगा। दरअसल मामू मुझे भी आपसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। जो आपको बताना था कि मेरी मंगनी टूट गई है। क्या? जी। और अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मॉम भी मान जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिजा के फराज के चुंगल से आजाद होते ही मैं जल्द से जल्द उससे निकाह कर लूँ। लेकिन बेटा इससे पहले फराज का शिजा को तलाक देना बहुत जरूरी है, वो नामुराद पेपर्स पे दस्तखत ही करने को तैयार नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं वकील साहब से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाए। मैं उसे कहूँगा कि फराज पे जितना प्रेशर हो सके उतना डाले। हाँ बेटा इंशाल्लाह। साइन करो उन पेपर्स पे। ये क्या है, कौन सा पेपर्स है? डिवोर्स पेपर्स। बहुत टाल लिया तुमने इस मामले को, परसों अदालत में पेशी है। और वकील साहब का कहना है कि इससे पहले ये साइन हो जाए तो बेहतर। शीजा के वकील ने तुम्हारे खिलाफ इतना मवाद इकट्ठा कर लिया कि अगर उसने अदालत में पेश कर दिया मुश्किल में पड़ जाओगे। शीजा को तलाक दो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते। तो आप डर गए उनके गीदड़ भक्कियों से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, ना ही मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा और ना ही शीजा को छोड़ूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। You have to sign these papers. बस अमी, शेजा के मामले को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, आप इसमें मदाखलत ना करें। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। पकड़ो।
हाँ हेलो फातिमा बोलो। हाशिर अभी कुछ लोग आए थे, वो शीजा को उठा कर ले गए, मुझे भी उन लोगों ने यरगमाल बनाया था। क्या उन्होंने तुम्हें यरगमाल बनाया हुआ था? पता नहीं शीजा किस हाल में होगी। चलो खुदा का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम रुको मैं अभी आता हूँ। मामू मैं 12 बजे घर से निकला था, सब कुछ ठीक था, तब मुझे फातिमा की कॉल भी आई थी फ्लैट पर, उसे भी गन पॉइंट पे यरगमाल बना लिया था, फिर फराज के कहने पे छोड़ दिया गया। मामू आप बस तैयार रहिए मैं आता हूँ। जी मैं निकल रहा हूँ। ओके आप प्लीज एसएचओ को कॉल मिलाइए, हमें अगवा की एफआईआर कटवानी है। सर मैंने कॉल कर दी है, एसएचओ का बात ही होंगे। खुदा के वास्ते जल्दी की है, जिसने हमारी भांजी को अगवा किया है कहीं वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे, और ये हमारी इज्जत का सवाल है। जब तक साहब नहीं आते मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए मैं मेहर सुल्ताना बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए। मुझे एसएचओ से बात करनी है। आप तो अभी आए नहीं, आप मुझे बताएं क्या मसला है। मेरे बेटे ने एक लड़की को अगवा कर लिया। क्या आपके बेटे ने लड़की का अगवा किया? मैडम मजाक तो नहीं कर रही क्या आप? हेलो एसएचओ स्पीकिंग। मैं मेहर सुल्ताना बोल रही हूँ। मेरे बेटे ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। क्या एड्रेस कहाँ? आप किसी बैठे? जी बताइए क्या मसला है आपका। जनाब आप खातून मेहर सुल्ताना से अभी बात कर रहे थे फोन पे। जी वही, असल में उनके बेटे ने मेरी भांजी को अगवा किया, जिसकी एफआईआर लिखाने हम आपके पास आए। क्या आपने उनका घर देखा हुआ? जी तो फिर चले। कर दो मुझे, बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है ना कल हम लड़की वालों की तरफ जा रहे हैं? लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनसे सब बात कर ली। ओके और मेरी मां सारी हकीकत जानने के बाद रेहाना बहन ने जरा भी वक्त नहीं लगाया मुझसे मेरी शिजा का हाथ मांग लिया, और मैं इनकार नहीं कर सका। माम ये सब क्योंकि मैं जान गई थी मैं जाके तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी। जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी।